अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ब्लड के कुछ मेजर फंक्शंस और इसके कुछ डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। ब्लड के बेशतर फंक्शंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम एक दफ़ा फिर से इनको रिवाइज़ करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्लड के फंक्शंस में जब कोई रिकावट आ जाए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी बीमारियाँ क्रिएट हो सकती हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले फंक्शंस ऑफ ब्लड की, कि ब्लड क्या क्या काम करता है। तो ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ब्लड के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लड के अंदर साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी डिजॉल्व फॉर्म्स में मौजूद होती हैं, और ये डिजॉल्व प्रोटीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती हैं ब्लड का। क्योंकि आपको पता है कि हम पहले प्लांट्स के केस में स्टडी कर चुके हैं कि सेल्स को अगर बिल्कुल आप प्योर वाटर के अंदर रख दें तो क्या होगा कि उस सेल के अंदर पानी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से एंटर होता रहेगा, और क्योंकि एनिमल सेल्स के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती तो वो सेल बर्स्ट हो सकता है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि सेल के अंदर और उससे बाहर, यानी कि बाहर क्योंकि प्लाज्मा मौजूद है तो उस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स की या साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है उसको इक्वल रखना पड़ता है, ताकि पानी ज़रूरत से ज़्यादा सेल के अंदर एंटर भी ना हो और सेल से बाहर भी ना निकले। तो उस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स डिजॉल्व होती हैं, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो है ये एल्ब्यूमिन कहलाती है, जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर तकरीबन 75% अमाउंट में मौजूद होती है। इसके अलावा काफ़ी सारी ग्लोब्यूलिन्स भी ब्लड के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में रहती हैं, और ये प्लाज्मा का प्रोटीन्स का 25% बनाती हैं। इसके अलावा ब्लड डायरेक्टली, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है, मिसाल के तौर पे न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, साल्ट्स को, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। इसके अलावा हार्मोन्स को भी साइट ऑफ सिंथेसिस से लेकर अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने में ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसके अलावा जो शायद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है ब्लड का, वो ये है कि ब्लड गैसेस की ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प करता है। इसके अलावा ब्लड का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस का काम करते हैं, यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को ढूंढ के उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। और जो दो मेजर टाइप के वाइट ब्लड सेल्स हमने पढ़े थे, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये दोनों इस लिहाज से बहुत ज़्यादा रिमार्केबल हैं कि ये ब्लड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और जो भी बैक्टीरिया या वायरस इनको मिलता है ये पकड़ के उसको मार देते हैं। तो इस तरह हमें ये बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने लिम्फोसाइट्स को भी स्टडी किया था, और लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने कहा था कि ये बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और लिम्फोसाइट्स जो हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस एक दफ़ा एंटर हो जाए तो ये उनको याद रखते हैं, और आइंदा ज़िंदगी में कई कई सालों बाद भी अगर वो बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में दोबारा दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये लिम्फोसाइट्स फौरी तौर पे उसको डिटेक्ट करके मारने का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इम्यूनिटी कहते हैं, कि हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनाइज हो जाती है, और ये होता किस वजह से है, लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। और यही प्रोसेस या लिम्फोसाइट्स जो हैं ये फिर वैक्सीन्स की सक्सेस में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वैक्सीन्स के केस में हम क्या करते हैं कि जिन वायरसेस की एंट्री का हमें ख़तरा होता है हम पहले ही उनकी डेड या वीकेंड फॉर्म बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से आइंदा ज़िंदगी में कभी अगर वो वायरस हमें उससे सामना हो तो ये लिम्फोसाइट्स, क्योंकि उस डेड वायरस को पहले से पहचानते होंगे, तो फौरी तौर पे उसको ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया या वायरसेस से प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स या उनके वायरल जीनोम्स को ख़त्म करने का काम भी
ब्लड करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, और इसी तरह वायरल डीएनए या आरएनए को खत्म करने के लिए इसके अंदर इंटरफेरॉन्स मौजूद होते हैं, जो एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल्स ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये भी बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ब्लड जो है वो बफर के तौर पे काम करता है। हम बफर ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं विच रिजिस्ट चेंज इन पीएच, यानी कि पीएच को चेंज नहीं होने देता। तो बेसिकली ये ब्लड के अंदर एसिड और बेस की बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करता है, और ब्लड की पीएच जो है वो एक खास लेवल पर हमेशा मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं उनको एक अच्छा सूटेबल एनवायरनमेंट हमेशा अवेलेबल रहता है। इसके अलावा ब्लड होम्योस्टेसिस में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करता है। होम्योस्टेसिस बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। होम्यो का मतलब होता है सेम, और स्टेसिस कहते हैं कंडीशन या स्टेट को। तो होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बॉडी की जो कंडीशन है वो आमतौर पे सेम होती है विद रिगार्ड टू टेम्परेचर या विद रिगार्ड टू वाटर और सॉल्ट्स। के बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो ह्यूमंस को अगर आप देखें तो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली रहता है, और हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 70% वाटर मौजूद होता है, और ब्लड के अंदर 0.9% जो है वो हमेशा सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। अब ये चीजें थोड़ी बहुत तो वेरी कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वेरी ये आमतौर पे नहीं करती, और ये चेंज जो है इनको बॉडी के अंदर नहीं होने दिया जाता, और इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, और ब्लड जो है ये होम्योस्टेसिस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि अगर अचानक से आपको कभी चोट चोट लग जाए या कोई खराश आ जाए तो उस जगह पे ये क्लॉट बना देती हैं प्रोटीन्स, और उसके अंदर फिर रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स फंस जाते हैं, और उसकी वजह से फिर एक दो काम होते हैं। एक तो एक्स्ट्रा ब्लड लॉस नहीं होता, और दूसरा ये कि वो एरिया या जख्म फौरी तौर पे कवर हो जाता है, तो इस वजह से मजीद बैक्टीरिया या वायरस उस ओपन वूंड से बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं कुछ मेजर ब्लड डिसऑर्डर्स, और इन ब्लड डिसऑर्डर्स में सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर है। अब ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर बेसिकली होता है अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि बॉडी के अंदर अगर वाइट ब्लड सेल्स की तादाद नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाए तो इसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, और आमतौर पे ये तादाद जो है वो बेसिकली म्यूटेशन की वजह से बढ़ना शुरू हो जाती है। वाइट ब्लड सेल्स में म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उन वो अपनी नॉर्मल तादाद को मेंटेन रखने के बजाय बहुत ज्यादा डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसी म्यूटेशंस को हम कैंसरस म्यूटेशंस कहते हैं या कैंसर काजिंग म्यूटेशंस कहते हैं। अब ये म्यूटेशंस दो तरह के सेल्स के अंदर हो सकती हैं, या तो ये म्यूटेशंस माइलोजीनस सेल्स के अंदर होती हैं, यानी कि बोन मैरो सेल्स में हो सकती हैं, और ये बोन मैरो सेल्स जो हैं वो फिर आपके इम्पोर्टेंट वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो इस वजह से अगर इन सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो ये जरूरत से ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा लिम्फोजीनस सेल्स जिनसे लिम्फोसाइट्स बनते हैं वो भी बाज दफा तादाद में ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर भी म्यूटेशन हो जाती है, और वो जरूरत से ज्यादा लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है। अल्टीमेटली ब्लड कैंसर की जो अलामात होती हैं उनमें अगर ब्लड को टेस्ट किया जाए तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार बहुत ज्यादा होगी, और ये वाइट ब्लड सेल्स कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड भी नहीं होंगे। फिर उसके अंदर होता क्या है कि ये माइलोजीनस सेल्स बोन मैरो से निकल के, और क्योंकि बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये ब्लड के अंदर फैल जाते हैं, और ब्लड के थ्रू ये दूसरे ऑर्गन्स में जाके बैठ जाते हैं, तो वहां पे ये डिवाइड करके व्हाइट ब्लड सेल्स मजीद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का काम ना सिर्फ
सिर्फ बोन मैरो में हो रहा होगा, बल्कि ये बॉडी के दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अंदर भी वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब ल्यूकीमिया की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे कौन सी किस्म के वाइट ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा हुई हुई है, एग्जैक्ट टाइप कौन सी है उन सेल्स की, तो उसकी बेस पे ल्यूकीमिया को आप मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया का मतलब है कि इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स की तादाद जरूरत से ज्यादा हो जाती है। इसी तरह इओसिनोफिलिक ल्यूकीमिया में इओसिनोफिल्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, बेसोफिलिक ल्यूकीमिया में बेसोफिल्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, मोनोसिटिक ल्यूकीमिया में मोनोसाइट्स की या मैक्रोफेजिस की तादाद बढ़ जाती है, और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में लिम्फोसाइट्स की तादाद बढ़ जाती है। अब इसकी सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि ऐसे पेशेंट्स को आमतौर पे उनका ब्लड वक्तन फवक्तन थोड़े थोड़े वक्ते के बाद चेंज करना पड़ता है, और किसी हेल्दी इंडिविजुअल से ब्लड ले के ऐसे इन बीमार पेशेंट्स को लगाना पड़ता है। इस हेल्दी इंडिविजुअल को जिसे ब्लड दिया जाता है हम डोनर कहते हैं, और डोनर्स का ब्लड जो है वो ल्यूकीमिया के फिर पेशेंट्स को लगाया जाता है। इसके अलावा इसका रिलेटिवली लॉन्ग टर्म इलाज जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, कि किसी हेल्दी डोनर में से थोड़ा सा बोन मैरो निकाल के फिर पेशेंट्स के बोन मैरो में उसका एक ग्राफ्ट लगा दिया जाता है। अब इसकी वजह से कई कई दफ़ा पेशेंट ल्यूकीमिया से आज़ाद तो हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। इसके अलावा एक और बीमारी ब्लड से रिलेटेड थैलेसीमिया है, इसको हम कूलेज इनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि ये थॉमस बी कूले ने डिस्कवर की थी, जो कि एक अमेरिकन पीडियाट्रिशियन था, यानी कि बच्चों का डॉक्टर था, तो उसने ये बीमारी डिस्कवर की थी, तो उसकी वजह से इसको कूलेज एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया का लफ्जी मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड। तो बेसिकली थैलेसीमिया के अंदर जो है ब्लड की कमी हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम होती किस वजह से है? ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती है हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से, और हीमोग्लोबिन हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो रेड कलर की प्रोटीन मौजूद होती है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है वो हीमोग्लोबिन कहलाती है। अब जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये हीमोग्लोबिन जो है ये एबनॉर्मल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में, और उसकी वजह से फिर ये पेशेंट जो है नॉर्मली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता इनका ब्लड, और उसकी वजह से इनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मेनली प्रॉब्लम यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अब जब बच्चे छोटे होते हैं और अपनी माँ के पेट में होते हैं, तो उस वक्त इनके अंदर बीटा चेन नहीं होती, बल्कि बीटा चेन की जगह एक और चेन होती है जिसको हम एफ चेन या फीटल चेन कहते हैं, यानी कि फीटस के अंदर जो हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं। अब होना ये होता है कि आफ्टर बर्थ ये बीटा चेन जो फीटल चेन या एफ चेन है ये कन्वर्ट हो जाती है बीटा चेन में नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर। लेकिन थैलेसीमिया के पेशेंट्स में क्या होता है कि बर्थ से पहले एफ चेन जो है वो हीमोग्लोबिन बना रही है, लेकिन बर्थ के बाद जो बीटा चेन ने हीमोग्लोबिन बनानी थी वो बीटा चेन एक्टिव नहीं होती, और एफ चेन ही बर्थ के बाद भी बॉडी के अंदर अपना काम करती रहती है और ब्लड बनाने का काम करती है। इसकी वजह से वो इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा जब रेड ब्लड सेल्स की डेथ होती है तो उसकी वजह से स्प्लीन का काम, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स डेड रेड ब्लड सेल्स को फिल्टर करना होता है, तो वो डेड ब्लड सेल्स को फिल्टर कर करके बहुत ज़्यादा साइज में बड़ी हो जाती है। इस प्रोसेस को हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। स्प्लीन का वर्ड आप जानते हैं स्प्लीन के लिए, और मेगैली का मतलब होता है बढ़ना, तो स्प्लीन का साइज ऐसे पेशेंट्स में बढ़ जाता है। इसके अलावा आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स की स्किन आमतौर पे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है और उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और इसका
सोल्यूशन फिर ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स को वक्तन फवक्तन ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, किसी हेल्दी इंडिविजुअल से ब्लड लेके ऐसे पेशेंट्स को आमतौर पे लगाया जाता है। अगर ब्लड ना लगाया जाए तो ये पेशेंट्स मौत का शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा रिलेटिवली परमानेंट सोल्यूशन इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, क्योंकि आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर किसी हेल्दी इंडिविजुअल से बोन मैरो थोड़ा सा लेके वो बोन्स में लगा दिया जाता है और फिर वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और पेनफुल और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और 100% सक्सेसफुल भी नहीं होता। इसके अलावा एक और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है एडिमा कहलाती है। एडिमा का मतलब होता है एक्सेसिव फ्लूड इन बॉडी टिश्यूज। अब ये एक्सेसिव फ्लूड या तो सेल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और या फिर सेल्स से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और इसको हम एडिमा कहते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअल का नॉर्मल हाथ है और उसके मुकाबले में दूसरे हाथ में यहाँ पे एडिमा हुआ हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसके ये हाथ जो है बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, स्वेलिंग है, और ये स्वेलिंग बेसिकली एक्सेसिव फ्लूड की वजह से है। अब इंट्रासेलुलर एडिमा जो है ये बेसिकली सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर भर जाने की वजह से होता है, और जब सेल्स के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी भर जाएगा, ऑस्मोसिस के जरिए से पानी सेल्स में एंटर होके वो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रोक देता है और उसके नतीजे में सेल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। उसके मुकाबले में एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा के केस में कैपिलरी से गैर जरूरी लीकेज होती है प्लाज्मा की, और वो प्लाज्मा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर सेल से बाहर जो खाली जगह होती है वहां पे जमा होना शुरू हो जाता है। और बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम नाम इसका पढ़ चुके हैं, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम उस एक्स्ट्रा प्लाज्मा को ड्रेन करने का, टिश्यू से निकाल के ले जाने का काम करता है। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम उस एक्स्ट्रा प्लाज्मा को वापस ना ले जा सके तो उसकी वजह से फिर ये सेल्स के बाहर खाली जगहों में प्लाज्मा जमा होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसकी एक मेन रीजन ये भी हो सकती है कि उस प्लाज्मा के अंदर गैर जरूरी अमाउंट में सार्स मौजूद होते हैं और इनको बेसिकली किडनी ने, अगर वो सार्स का लेवल प्लाज्मा में ज्यादा हो तो किडनी उसको रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन अगर किडनी उन सार्स को रिमूव ना कर रही हो तो सार्स की मिकदार कॉन्स्टेंटली ज्यादा रहेगी और उसकी वजह से फिर ये स्वेलिंग हो जाती है। इसकी वजह से, एडिमा की वजह से एक तो नॉर्मल ब्लड का फ्लो ऑर्गन्स के अंदर मुतासिर होता है और उसकी वजह से ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स प्रॉपरली नहीं हो सकता। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है ब्लड के फंक्शंस को और हमने बात की कि ब्लड बहुत सारी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, पीएच और साल्ट्स और वाटर की बैलेंस को मेंटेन रखता है, और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में और जो है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड से बचाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो बॉडी को बीमारियों के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं। ब्लड का नॉर्मल फंक्शन जब डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर हो सकता है। वाइट ब्लड सेल्स की तादाद जब बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा होना शुरू हो जाए तो इसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, और इसका सोल्यूशन बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। जब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना हो तब तक इंडिविजुअल को वक्तन फवक्तन अपना ब्लड तब्दील करवाना पड़ता है। इसके अलावा एक और बीमारी थैलेसीमिया कहलाती है, और थैलेसीमिया में बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होती है। ये एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसमिट हो सकती है।
और इसके अंदर इसका भी हल जो है वो आमतौर पे फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ ब्लड होती है, और रिलेटिवली परमानेंट हल बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। इसके अलावा साल्ट्स का बैलेंस ब्लड में डिस्टर्ब होने की वजह से बाज दफा बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूड जमा होना शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन को हम एडीमा कहते हैं। थैंक यू।